हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ट्रिगर्ड इंसान के रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रिगर्ड इंसान ने अपना एक न्यू घर बनवाया था जिसमें उनकी फैमिली अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है, जहां इसी के बाद काफ़ी लोग ये उनको बोलने लगे थे कि क्या उन्होंने वो घर रेंट पर लिया या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लिया था, जहाँ इसी के रिलेटेड वो अपने व्लॉग में रिएक्ट करते हुए दिखे, जिसके आप एक छोटी सी क्लिप देख लो। कर लो शिफ्ट, लोग वैसे ही बोलने लग गए हैं क्या कंटेंट के लिए घर लिया था क्या? कंटेंट निकल गया तो भाई भूल गए। कोई तो कहता है भाई क्या किराए पे घर लिया था क्या, कि भाई हाँ किराए पे ले लेते हैं, कंटेंट निकाल लेंगे फिर छोड़ देंगे। कोई तो बोलता है नहीं जाना तो हमें दे दो, कोई कह रहा है आप जाओ तो पुराना वाला हमें दे दो। भाई जा रहे हैं नए घर में और ये घर भी रहेगा वो घर भी रहेगा, यहाँ भी वीडियो बनेंगे वहाँ भी। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है UK07 राइडर के रिलेटेड। तो UK07 राइडर की जो लैम्बोर्गिनी सीज हो गई थी उसी के रिलेटेड वो एक गुड न्यूज देते हुए दिखे, जिसके अलावा छोटी सी क्लिप देख लो। मैं आपको बता देता हूँ लैम्बोर्गिनी फाइनली निकल चुके गाइस। कल जो वीडियो डाली थी हम लोगों ने उसके बाद a lot of things happened. अपनी ब्रोस इन्होंने जाकर के ट्विटर पे टैग करा CM ऑफ तमिलनाडु, एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइस हमारी अपील सुन ली गई। एक कॉल आया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए, वो सारा प्रोसेस जो रुका हुआ था वो खट से कंप्लीट हुआ, एंड सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के बाद गाइस फाइनली अपनी लैम्बो निकल चुकी है बाहर। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है मैक्सन के रिलेटेड। तो मैक्सन रिएक्ट करते हुए दिखे, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जहां उन्होंने ये लिखा मेरी असली लड़ाई के बाद नकली लड़ाइयों का ट्रेंड सा आ गया। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना।